आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम मोदी के आह्वान पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस अभियान में शामिल हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया है। आरएसएस ने तिरंगा फहराते हुए वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाए, हर घर तिरंगा फहराए, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाए। मोहन भागवत ने भी अपने प्रोफाइल में तिरंगा की तस्वीर लगाई है। आरएसएस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की डीपी में भी तिरंगा की फोटो लगाई है। स्वतंत्रता दिवस में एक दिन पहले आरएसएस ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगे की डीपी लगाई है। भारतीय डाक सेवा ने भी इसमें नया कीर्तिमान रचा है। विभाग के मुताबिक उन्होंने 10 दिन में छोटी अवधि में 1 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज बेचे हैं। इसमें 1.5 लाख डाक घरों पर ऑनलाइन बिक्री और ऑनलाइन ऑर्डर शामिल है। गुरुवार को संचार मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि डाक विभाग अपने 1.5 लाख डाक घरों के जरिए हर घर तिरंगा अभियान के सफल बनाने में जुटा है। उनका मकसद हर नागरिक को इस अभियान से जोड़ना है। इसके तहत 10 दिनों की छोटी अवधि के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज बेचे गए हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिक्री शामिल है। इन झंडों में कीमत विभाग ₹25 तय की है।